गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस साइकोलॉजी सेशन। आज हम चैप्टर नंबर 3 ज़हानत, जिसे गुजराती में कहते हैं बुद्धि, शुरू करने वाले हैं। ज़मीन पर बसने वाले पूरे जानदार आलम में इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये बात हम जानते हैं। दिगर ज़ीरों की बनिस्बत उसके पास जिस्मानी और ज़हनी महारतें हैं। इर्तिका से लेकर आला मकाम हासिल करने वाले इंसान के दिमाग की साख्त दिगर जानवरों के बनिस्बत ज़्यादा नशोनुमा पाई है। नतीजतन वो फ़िक्र, मुंतिक, तखय्युल, याददाश्त, तख्लीकियत जैसे ज़हनी महारतों का हामिल है। यानी जहन से जितने भी काम होते हैं वो तमाम कामों का महारत हासिल होती है। इंसान में वक़ू पज़ीर मुख्तलिफ ज़हानती महारतों में ज़हानत भी अपना एक मुनफरद मकाम रखती है। आम तौर पर ज़हानत के मुतरादिफ अल्फाज हैं। आम तौर पर ज़हानत को अक्ल, दानिशमंदी, सियानापन, समझदारी वगैरह के तौर पर शनाख्त करते हैं। रोज़मर्रा के मामलात और गुफ्तगू के अंदर हम ऐसे अल्फाजों का बार बार इस्तेमाल करते हैं। ज़हानत एक पेचीदा ज़हनी अमल है, वो अमली तौर पर किरदार की फहम अता करता है। हमारे योमिया अमल यानी के रूटीन वर्क, रोज़मर्रा में जो हम काम करते हैं जैसे ब्रश करना, साफ़ कपड़े रखना, मुनासिब तौर पर कपड़े पहनना, खाना खाना, कसरत करना, सोना, ये जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, या फिर तारीख, दिन, त्यौहार, सामाजिक ताल्लुकात, लेन देन, खेल कूद, ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले आसान या पेचीदा मसाइल को हल करने की या उसको पोशीदा तौर पर परखने के साथ ज़हानत मुंसलिक है। यूँ अगर देखा जाए तो ज़हानत इंसान के जिस्मानी, ज़हनी, हिजानी, सियासी, साइंसी वगैरह तमाम किरदार के हमरा मुंसलिक है। ज़हानत को गुजराती में बुद्धि कहते हैं। बुद्धि लफ्ज़ ये संस्कृत ज़बान से माखूज, बुद्ध पे से माखूज है। बुद्ध का मतलब होता है समझना या इल्म हासिल करना। बुद्धि यानी समझदारी या इल्म हासिल करने की महारत। ज़हानत की तारीफ देखते हैं। 1879 में जर्मन नफ्सियतदान एबिंगहाउश ने फ़र्द फ़र्द के माबैन वाक़यात तफरीकात की बिना पर ज़हानत की तारीफ बयान की। सबसे पहले तारीफ बयान करने की कोशिश की। 7 गुजराती जोड़नी कोश इस बुक में ज़हानत की तारीफ में कहते हैं, ज़हानत यानी किसी चीज़ को जानने की, ज़हन की समझदारी या कुव्वते फहम। ज़हानत यानी क्या? किसी भी चीज़ को जानने की, ज़हन की समझदारी या कुव्वते फहम। दूसरी तारीफ बिने और साइमन के मुताल्लिक है। ज़हानत यानी बखूबी समझने की, मुनासिब तौर पर फ़ैसला करने की और मुंतकी रहबरी की कुव्वत। यानी कोई भी चीज़ को अच्छे से समझने की, वो सही है गलत है उसके तौर पर फ़ैसला करने की कुव्वत, क्या है? ज़हानत।
आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ज़हानत की हैयतें। ज़हानत की पांच हैयतें जिसे गुजराती में कहते हैं गुद्दीनो सोरू। तो सबसे पहली हैयत है मुतफरिक कुवतों का वकूफ़ी कुवतों का जहान मजमुआ। पहला क्या है? मुतफरिक वकूफ़ी यानी ज़हनी कुवतों का मजमुआ। उसके बाद है मुजर्रिद तौर पर मंतिक करने की महारत। तीसरा है फैसला करने की महारत। चौथा है बामकसद आमाल और फैसला साजी की महारत। उसके बाद है माहौल के हमरा हम आहंगी कायम करने की महारत, जिसमें हम पहली महारत मुतफरिक वकूफ़ी कुवतों का मजमुआ, मुतफरिक यानी कि विभिन्न अलग अलग वकूफ़ी ज़हनी कुवतों का मजमुआ है ज़हानत, मुंतिक फ़िक्र तखय्युल फ़ैसला साजी की महारत वगैरह ज़हानत के मुख्तलिफ पहलू है। यानी फ़िक्र करना, सोचना, फ़ैसला करना, जहन के ज़रिए तमाम किए जाने वाले काम किसके पहलुएँ ज़हानत के। इसीलिए कहा जा सकता है कि ज़हानत एक कुल मरकुज़ी ज़हनी कुव्वत है। उसके बाद दूसरा आता है मुजर्रद तौर पर मंतिक करने की महारत, मंतिक यानी कि लॉजिक। मुजर्रद यानी कि किसी चीज़ की कोई शक्ल सूरत में ज़ाहिर नहीं किया जाता, उसे मंतिक की मुजर्रद कहते हैं। ज़हानत मुजर्रद तौर पर मंतिकी करने की महारत है। मुजर्रद और मंतिकी फ़िक्र ऐसी ज़हनी महारत है जिसकी मदद से हम लफ्ज़ी रियाजती साइंसी उसूलों को बआसानी से समझ सकते हैं। जिसे मुजस्सम तौर पर शक्ल जाहिर ना हो वो है मुजर्रद। जैसे कि इंसाफ की कोई शक्ल सूरत हम बता नहीं सकते, लेकिन इंसाफ को समझने और इंसाफ करने की महारत हम में हो तो इसका मतलब हम में ज़हानत है, हम ज़हीन हैं। ईमानदारी की भी कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन वो मंतिकी तौर पर समझने की महारत रखता है। उसके बाद आता है शराफ़त की भी कोई शक्ल नहीं है जिसे हम मुजस्सम या शक्ल में जाहिर नहीं कर सकते। ऐसे मुजर्रद लफ्ज़ों के मानी समझने की महारत यानी ज़हानत। उसके बाद तीसरा है मसला हल करने की महारत। ज़हानत के ज़रिए फ़र्द दाखली बसीरियत की मदद से मसले का हल हासिल कर सकता है। मसले के लिए साबिका तजुर्बात के ज़रिए फ़ायदा हासिल कर सकता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 आमजिश का अमल में कोहलर का तजुर्बा यानी दाखली बसीरियत के ज़रिए चिंपांजी ने किस तरह अपने मसले को हल किया था उसके मुताबिक हमने फहमाइश हासिल की थी, तो ज़हानत का एक साबित करता है कि चिंपांजी के अंदर भी ज़हानत है जिसने अपनी दाखली बसीरियत के ज़रिए मश्क के ज़रिए तरबियत के ज़रिए सीख कर किरदार को मज़ीद मुअस्सर बनाया। इसी तरह मश्क तरबियत और तजुर्बा की बिना पर उसमें से कुछ ना कुछ सीख कर किरदार को मुअस्सर बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बामकसद आमाल और फैसला साजी की महारत। बामकसद आमाल यानी कि ऐसे काम जिसका कोई ना कोई मकसद हो। जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने ज़हानत हो तो हम ऐसे काम करेंगे जिसका कोई ना कोई मकसद हो। ज़हानत की वजह से फ़र्द बामकसद आमाल अंजाम देता है। डॉक्टर बनने का अगर मकसद है तो वही काम ज़हीन तौर पर करेगा जब तक कि उसे उसका मकसद पूरा ना हो जाए। ज़िंदगी के हकीकी मकसूद मुतय्यन करने में, सूरत हाल के मुनासिब तशरीह करने में, मुअस्सर तौर पर मंतिक करने में और ज़िंदगी के मामलात खुसूसी अफान अंजाम देने में
ज़हानत मददगार साबित होती है। अगर किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को पायलट बनना हो, तो इन तमाम के मकसद पूरा करने में ज़हानत मददगार साबित होती है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है माहौल के हमराह हम आहंगी कायम करने की महारत। ज़हीन इंसान के अंदर क्या होती है, चाहे उसे जो भी माहौल में रखा जाए तो माहौल के साथ समायोजन मुआफ़िकत कायम करने की महारत उसमें होती है। ज़हानत फ़र्द को माहौल के हमरा मुअस्सर तौर पर हम आहंगी या मुआफ़िकत कायम करने की लिए मददगार साबित होती है। ज़हानत नई नई सूरत हाल या फ़ैल के मुताबिक बदलती तौकात के हमरा मुआफ़िकत कायम करने की कुव्वत है। चाहे जो भी माहौल में रहे या किसी भी सूरत हाल में रहे या बदलते हुए सूरत हाल में रहे, तो उस सूरत हाल उस परिस्थिति के साथ समायोजन करने में ज़हानत हमारे मददगार साबित होती है। इस तरह ज़हानत की पांच हैयतें थीं, मुतफर्रिक वक़्फ़ी ज़हनी क़ुव्वतों का मजमूआ, मुजर्रद तौर पर मंतिकी करने की महारत, मसले का हल की महारत, बामकसद आमाल और फैसला साजी की महारत, और लास्ट है माहौल के हमराह हम आहंगी करने की महारत।